हेलो स्टूडेंट, चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 नाइन्थ क्लास। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो यहाँ देख सकते हैं एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है, और सिद्ध करना है ईजी एंड एफएच एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। रचना हमने ईएफ एफजी जीएच एचई और एसी को मिला दिया, ये डॉट डॉट वाले हमने सभी मिला दिए। उत्पत्ति ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये इसके पैरेलल है और ये दोनों बीसी और एसी, एबी के एबी और बीसी के मध्य बिंदु। देखो ये लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में जहां ई और एफ भुजा एबी बीसी के मध्य बिंदु है, और बताया ई एफ हाफ है एसी का और पैरेलल है एसी के, तो ई एफ एसी का हाफ है और एसी के पैरेलल है, तो हम कहेंगे मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ट्राइंगल एडीसी में अब ए डी सी, इस ट्राइंगल में ये दोनों इसके मध्य बिंदु है एच और जी, और एच जी जो है वो एसी के पैरेलल है, समांतर है, और एच जी एसी का हाफ है। यहां लिखा हुआ है ट्राइंगल एडीसी में जहां एच और जी भुजा एडी और सीडी के मध्य बिंदु है, एच जी हाफ ऑफ एसी है, और एच जी समांतर है एसी के, इसको हमने समीकरण ऊपर वाले को वन माना है, इसको दो, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार समीकरण एक और दो से ई एफ एच जी और ई एफ पैरेलल टू एच जी, ये दोनों बराबर और ये दोनों समांतर है, तो हम कह सकेंगे ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, तो हम कह सकते हैं ई एफ और एफ जी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।